मध्य प्रदेश के गुना में हुई चुनावी सभा में कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बजाय बीजेपी से बेटी बचाओ अभियान चलाने की बात कही है। साथ ही सिंधिया ने युवाओं को भविष्य अंधकार में होने की बात कहते हुए कहा कि नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं शिवराज सरकार पर लगाए गए आरोपों के जवाब में पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि सिंधिया मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हैं और इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे। सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 12 साल में कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। महिला देश की और प्रदेश की अस्मिता है। जो सरकार महिला की अस्मिता ना बचा पाए उसे सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं होता। और ये कहते हैं लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ। क्या लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ? जो सरकार महिलाओं की आबरू ना बचा पाए वो क्या लाडली लक्ष्मी देगी और क्या बेटी बचाओ देगी? और यहां तो भाजपा के विधायक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये बेटी बचाओ नहीं होना चाहिए, ये बेटियों को भाजपाइयों से बचाओ का नारा होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ सिंधिया जी की बौखलाहट है और सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बुरी तरह उतावले हैं और ललायत हैं। और मेरे ख्याल से उनको खुद भी एक ज्ञान नहीं होगा कि वो क्या बोल जाते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं का सम्मान रखने के लिए मध्य प्रदेश पहला राज्य देश का जिसने महिलाओं के सम्मान के लिए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए तत्काल फांसी हो, फांसी की सजा दी जाए, ये कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश। और हमारे साथ कन्हैयालाल पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये क्या सिंधिया जी बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है उस सरकार को निकाल फेंकना चाहिए, कि बहुत ही आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर में। देखिए, ऐसा है, सिंधिया जी बौखलाए हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है और इस समय जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है, उसके कारण कुछ तो भी अनर्गल आरोप लगाना उनकी एक आदत बन गई है, क्योंकि उनके खाते में कोई उपलब्धि है नहीं ऐसी। तो आज महिलाओं वाली बात जहां तक है तो आप खुद महसूस करेंगे कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। आज 12 साल की बच्चियों के साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां ये कानून बनाए कि उनको फांसी की सजा दी जाए। तो महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी आवश्यक है, अब शहरी सम्मान की महिलाओं के लिए ₹1,000 महीना दें, महिलाएं मजबूत हो, महिलाएं सशक्त हो, ये बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ऐसी कई योजनाएं बनाकर आज आप ये महसूस करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी को चाहने वालों में अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरे प्रदेश की महिलाएं उनको एक भाई के रूप में जो स्वीकार करती हैं, मेरे ख्याल से देश में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। तो सिंधिया जी का जो आरोप है पूरी तरह अनर्गल आरोप है, कोई मतलब नहीं है उसका, राजनीति से प्रेरित आरोप है वो।